ताड़ साहब, हैरानगी हुई जब आज अनवारुल हक काकड़ साहब का एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नाम सामने आया, ये सिर्फ हैरानगी हम लोगों के लिए थी, आप लोगों के लिए भी थी? नहीं देखिए, हमारे लिए तो हैरानगी नहीं थी, मगर जिनके लिए भी थी हैरानगी, ये एक खुशगवार हैरानगी थी, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब एक बड़े पढ़े लिखे और बड़े ही एक इंटेलेक्चुअल हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं। और आपको पता है कि उन्होंने अपने करियर का आगाज सहाफत के पेशे से किया और वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो बतौर सहाफी जिस शख्स ने अपने फराय सर अंजाम दिए हों, वो आज़ादी इजहार राय के लिए, आज़ादी सहाफत के लिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करना खूब जानता है। और दूसरी बात ये कि वो बाप पार्टी के काम जैसे सहाफी पर इन्हीं से उम्मीदें रखें कि सहाफियों की तकलीफों को एक सहाफी समझ सकता है। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि पहले जो गवर्नमेंट आई उन्होंने बहुत सारे सहाफियों को उनसे रोजगार छीना, बहुत सारे चैनल बंद किए, बड़ी आम ट्विस्टिंग हुई। खैर, हमने तो फिर कोशिश की कि उस चीज को बेहतर करें, बट कतई नजर इस बात से बगैर इस डिबेट में जाए हुए काकड़ साहब इस डिबेट में नहीं जाया जाए तो बेहतर है। चैनल आपके दौर में भी बिल्कुल बेहतर है, बंद हुआ बिल्कुल बिल्कुल, वो बंद हुआ होगा, खुला भी होगा, मगर जो इस चीज की शुरुआत हुई बदतरीन दौर जिसमें सहाफियों को गोलियां भी मारी गई, डिसअपीयरेंसेस भी हुई, बात यह है कि वो एक स्याह तरीन दौर था। और आज जो लोग अपने आप को ज़ेरे अदाब समझते हैं तब वो इन बातों पर खुश होते थे, तो काश के इस पे उस वक्त एक ही लाहे अमल अपनाया जाता और ये काम उस वक्त ना किया जाता 2018 के बाद जो हुआ। बहरहाल, काकड़ साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमारे मुखालफीन के भी एलाय रहे हैं, हमारे भी एलाय रहे हैं और एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, सब लोगों के साथ एक उनका अच्छा ताल्लुक है। मैं अभी शाम में खुद कुरैशी साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी इस मूव को और सबसे बड़ी बात, जिस सूबे को कहा जाता है कि महरूमियत है वहां पर बहुत ज्यादा, उस सूबे को इतना बड़ा ओहदा देकर ये एक बड़ा जबरदस्त काम किया गया। एब्सोल्युटली जी, मैं ये समझता हूँ कि बलोचिस्तान के सूबे को ये नुमाइंदगी मिलना एक एजाज की बात भी है और उनकी महरूमियां, उनके मसायल, उसमें कोई शक नहीं कि इजाफा हुआ है। तो ये एक अच्छा मैसेज जो सवाले से भी जाएगा कि एक ऐसी शख्सियत का हामिल शख्स, उसके ऊपर से वो बलोचिस्तान के सूबे से ताल्लुक रखते हों और फिर तमाम सियासी जो पार्टीज हैं उनको वो काबिले कबूल हो, और कोई भी शख्स इस वक्त कोई उन पर तनकीदी बात नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव इंप्रेशन अभी तक नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल न्यूट्रैलिटी को मेंटेन रखेंगे और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से एक अच्छा न्यूट्रल इमेज आगे लेकर चले। ये नाम आप लोगों की तरफ से दिया गया था या प्योरली राजा रियाज की तरफ? वो कह तो रहे हैं कि मैंने नाम दिया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नाम आया कहीं से है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। देखिए, नाम मैं समझता हूँ कंसेंसस कैंडिडेट हैं, राजा साहब ने प्रपोज किया, हमने माना, मगर ये तासुर भी गलत है कि जी पता नहीं नाम कहाँ से आया, क्यों आया। देखिए, अगर जिस तरफ इशारा बहुत सारे हमारे जहियत एंकर साहबान कर रहे हैं, ये जरूर जहन में रखें कि जब भी काकड़ साहब ने बात की है उनका कभी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं रहा, उनका कभी भी, जब भी वो तकरीर करते हैं अपने इलाके के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू हमेशा इंसानी हकूक से लिंक होती है, अपने इलाके लेकिन की बाप पार्टी की तखलीक जैसे हुई वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वो तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। देखिए, बाप पार्टी बहुत सारे मराहिल से गुजरी है और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो जो 2018 में एक रजीम थी उस हवाले से उनका एक तखलीक के हवाले से मामला नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट डिसलॉज हुई थी बलोचिस्तान में, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को हटाया गया था, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता, मगर ओवर टाइम अगर आप देखें काकड़ साहब की शख्सियत को देखें तो उन्होंने हमेशा अपना किरदार अदा किया है नेशनल इश्यूज पे बात करके, रीजनल इश्यूज पे बात करके, अपने सूबे के मसाइल के हवाले से बात करके और इंसानी हकूक पे बात करके। तो वो आप ये टैग उन पे नहीं लग सकता कि वो कोई ब्रांडेड आदमी है कहीं से आए हुए, ये बैलेंस्ड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और एक न्यूट्रल आदमी है, ये जरूर। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो उनकी कैबिनेट होगी आप समझते हैं वो भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड होगी, बैलेंस्ड होगी, जिस तरह आप काकड़ साहब पर कोई भी नहीं उंगली उठा रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल उनकी पर्सनालिटी नहीं है, ये भी ऐसे ही होगा उनकी कैबिनेट?
मैं बतौर एक सियासी वर्कर के ये समझता हूँ, और मैं एक ऐसा सियासी वर्कर हूँ जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, जिसने तहरीकों में भी हिस्सा लिया है और सड़कों पे भी टाइम गुजारा है, एहतजाज भी किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस काबीना में नहीं होना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग आए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, वो जिस मर्जी को लाएं, मगर सियासी वाबस्तगी रखने वाला शख्स, खा वो हमारी पार्टी से हो वो किसी और पार्टी से हो, उनको केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारी इत्तला के मुताबिक अमरीका से एक शख्सियत आ चुकी है निगरान कैबिनेट में हल्फ उठाने के लिए, उनको कोई ओहदा दिया जा रहा है। मैं नाम भी ले लूं, ताहिर जावेद साहब, सुना है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो जिससे ये तासुर मिलता है कि जो कैबिनेट बनने जा रही है वो नॉन पॉलिटिकल होगी, ये तासुर मिलता है। देखिए मैं ये समझता हूं कि जहां मर्जी से कोई आया हो, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे ममालिक से, पिछली जो कैबिनेट थी खास साहब की उसमें भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े ममालिक से आए हुए थे, और हालांकि वो एक पोलिटिकल कैबिनेट थी, मगर अभी तक जो उम्मीद है, जो तासर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि ये बगैर सियासी वाबस्तगियों के एक न्यूट्रल और एक इंटेलेक्चुअल्स पे बेस्ड और एक जो अपने अपने पेशे में जो कोई एक स्किल रखते हो, एक उनका कोई ना कोई एक स्किल सेट हो या वो माहिर हो किसी फील्ड के, वही लोग आएंगे और एक अच्छा तासर उससे जाएगा। अभी तक तो मेरे पास जो इतलात हैं वो इसी तरह की साथ। तो डार साहब वजीर खजाना नहीं बन रहे हैं, वजीर आजम निगरान के वजीर आजम तो बन नहीं सके, जाहिर है वो एक उनकी जानिबदारी पर वो एक सवाल उठने थे, एतराज़ात भी उठने थे, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की कोशिश है, नवाज शरीफ साहब की खासकर ये कोशिश है कि चलें निगरान वजीर आजम नहीं तो निगरान वजीर खजाना ज़रूर बनना चाहिए डार साहब को। देखिए अब ये बिल्कुल चहमगोइयां और ये अफवाहें गर्दे ज़रूर कर रही हैं, मगर अभी तक मेरे पास ऐसी ना कोई इत्तला है, ना मेरे कोई पास ऐसी कोई कोई ऐसी मीटिंग में मैं शरीक हुआ जहां पे ये बात हुई हो, ऐसा अभी तक मेरे इल्म में कम से कम ऐसी बात नहीं है। किसी और पार्टी रहनुमा के पास इस पे कोई मालूमात हो उसका मैं कह कुछ नहीं सकता, मगर अभी तक मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक न्यूट्रल केयर टेकर कैबिनेट होगी जिसका किसी भी सियासी जमात और नॉन पॉलिटिकल होगी, नॉन पॉलिटिकल होगी, आपकी इत्तलात हैं एक टेक्नोक्रेटिक, हाँ जी इत्तलात है, हालांकि काकड़ साहब नॉन पॉलिटिकल नहीं है, मगर वो कोई पॉलिटिकली उस तरह अफिलिएटेड भी स्ट्रांगली नहीं है और उनकी पर्सनैलिटी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, वो सबको काबिले कबूल भी है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी काबीना भी इंशाल्लाह जिस तरह काकड़ साहब पे हैरानगी हुई है, अल्लाह करे बाकी पे भी आपको ऐसी ही खुशगवार हैरानगी हो।